परांदा इसका लाल कभी भी कट जाती पीछे की फिर से ना सेट पूरा चेंज हो रहा है। बट बैक स्टेज उससे ज्यादा बंदे होते हैं, उनकी ज्यादा मेहनत होती है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हैप्पी और आज है रामलीला की स्पेशल नाइट। मैं यहां पे था नहीं, मैं गया था केदारनाथ दर्शन के लिए, तो आज ही पहुंचा हूं। तो आज स्पेशल नाइट थी, किस्मत अच्छी थी कि आप सबको ना रियासी की रामलीला दिखाने का मौका मिला। तो आज स्पेशल नाइट है, जो जो परफॉर्म होगा मैं वो भी दिखाऊंगा और अपने ना रियासी की रामलीला के जो बैक स्टेज आर्टिस्ट है ना उनसे भी मिलाऊंगा, कि जो स्टेज पे बहुत कम दिखते हैं बट उनके बिना हमारे रियासी की रामलीला कुछ भी नहीं होती। तो अभी हम अंदर जाते हैं राम भवन, जहाँ पे ना तैयारियाँ हो रही हैं, मेकअप हो रहा है, ड्रेसेस लगा रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे स्टेज पे, स्टेज की बैक साइड की भी जगह दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी हमारे रियासी की रामलीला के हमारे अरुण भैया जो कि माने हुए रावण के किरदार को निभाते हैं, तो वो दिखे अभी अपने छोटे बेटे के साथ। तो अभी ये मिले हैं, ये भी आ गए हैं। अभी मैं बाकियों से भी मिलाऊंगा जैसे जैसे आते हैं। तो आज मैं इन्हीं के साथ हूँ क्योंकि पूरी रामलीला में मैं तो आ नहीं पाया क्योंकि हम केदारनाथ थे। तो आज ही पहुंचे केदारनाथ के ब्लॉग में, इसके बाद देखोगे आप। तो अभी अरुण भैया से मिले हैं, काफी अच्छा लगा। और इनके रावण के रोल किरदार अगर किसी ने नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा। नमस्ते, हेलो सर, क्या हाल है सर? और अब नीरज भैया ना दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और काके भैया ने भी अपना मेकअप खुद कर लिया है, बाल खुद भैया ने पूरे सेट किए हैं, गुते खुद सेट करी हैं। ये हमारे सनी भैया हैं जो आज के मेकअप आर्टिस्ट। सनी भैया किसे तैयार कर रहे हो? हम तो तैयार हो रहे हैं छोटे अंगद, तो जी छोटे छोटे नन्हे प्यारे अंगद। बल्ले भैया का आज दशरथ का रोल है ना, दशरथ का रोल है शरबन कुमार के साथ। तो सनी भैया अभी अंगद को तैयार करें, उसके बाद भैया की बारी है। तब तक मैं आपको बाहर दिखाता हूँ और हमारे जो बैक स्टेज जो आर्टिस्ट है ना वहाँ पे काम लगे हुए उनसे मिला। तो अभी ना हम रामलीला ग्राउंड के अंदर आ गए हैं। आकाश भैया, आयुष और निखिल तो मेरे साथ ही आए हैं। आप भैया और निखिल, मैं आपको ना यहाँ का रामलीला ग्राउंड का ना बहुत दिखाता हूँ, जगह कैसी है बैठने की। स्पेशल नाइट आज रामलीला जैसे कि रामलीला का पूरा लाइफ यहाँ से इस खड्डे के चलता है और म्यूजिक का सारा इस खड्डे से चलता है। तो अभी अंदर अंदर का दिखाते हैं, उससे पहले मैंने आपको बाहर का दिखा दिया। ये हमारे राहुल भैया हैं, साउंड डायरेक्टर इस समय यही हैं। तो अभी मेन डायरेक्टर जब आएंगे उनसे भी मिलाएंगे। हमारे तो अभी ना मैं स्टेज की बैक साइड जा रहा हूँ, तो बैक साइड का दिखाता हूँ यहाँ पे ना जैसे काम होते हैं। जैसे बैक साइड में हमारी सीता दीपाली मेरी बहन बैठी हुई है। दीपाली कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं पूरी रामलीला मिस करी है बट दीपाली के सारे मैंने सीन देखे हुए हैं रियासी अपडेट में। तो बहुत ही अच्छा किरदार निभाती है हमारी सीता का। और ये हमारे आयुष और आकाश भैया, हमारे रियासी के रामलीला के ना बानासुर मिस्टर आयुष और हमारे आकाश भैया जो कि काफी किरदार निभाते हैं। अंकद बानासुर के पिछले साल इन्होंने किया था, भूत का भी किया था, भूत भी है हमारे जेठा। तो हमारे ये उनके पुतों के चेले हैं पीछे।
अभी ना मैं इनके साथ आपको ना अपनी बैक स्टेज जैसे की ना सेफ्टी बैग मतलब बैग में जो भी काम हो रहा है ना वो दिखाता हूँ अभी अंदर चलते हैं। तो ये हमारे संजीव सर हैं, हमारी रियासी रामलीला के डायरेक्टर कैदारनाथ सर यही हैं। तो आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब इस रामलीला में केदारनाथ नहीं गया तो और भी ब्लॉग दिखाता। तो ये हमारे सर हैं और अभी आकाश भैया बाकी उनसे मिलाएंगे जिनका मैंने नाम नहीं बताया। हमारे हमारे स्टेज डायरेक्टर हाँ, तो ये मतलब ऑन स्टेज तो कभी नहीं दिखेंगे आपको, बैक स्टेज ही होते हैं, बट इनके बिना हमारी रियासी की रामलीला कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये ना वो स्टार हैं जो दिखते नहीं हैं, बट इनके बिना हमारा रामलीला कुछ भी नहीं है। तो वो तो आप आज देखोगे तो जैसे ही आगे आगे सीन होंगे। तो अभी हम अंदर लेके चलते हैं और जो मिलते हैं उनसे मिलते हैं। ये अभी जो आप सेट देख रहे हो ये कैलाश घाटी का सीन है, ये हमारे छोटे से हनुमान। तो अभी हम अपने ना बैक स्टेज के और ऐसे दिग्गज जो ऐसे कलाकारों से मिलाते हैं जो स्टेज के सामने आपको 200% श्योर है कभी नहीं देखे होंगे, बट बैक स्टेज इन्हीं का काम है, इनकी वजह से, इनकी बिना हमारा रियासी का कलाकार कुछ भी नहीं है। रमेश जब हम छोटे से होते थे ना, छोटे से राजकुमार, सोचो इतने पुराने कलाकार हैं, बट मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है जानकी कि हमारे इतने बड़े मतलब जो स्टेज के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़े और इनसे मिला। और उनके बाद हमारे ये हैं सुखदेव भैया और ये भी स्टेज का काम करते हैं मतलब काफी सालों से एक साथ तीनों। और तीसरी साइड हमारे अंकल, ये है हमारे अंकल देवराम जी और ये भी बैक स्टेज काम करते हैं कुछ कई वर्षों से, जब से शायद इनकी संभाल है और जब से ये रामलीला चली है। तो इनसे 2001 से ये रियासी रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं और बैक स्टेज ही करते हैं। ऑन स्टेज आपको कभी नहीं देखे होंगे, बट बैक स्टेज वही बात है कि बैक स्टेज इनके बिना हमारी रियासी की रामलीला कुछ भी नहीं है। बिना हमारे पीछे कौन आया पता है? वर्मा भैया के पीछे कौन खड़ा है? लिपस्टिक लगा दी। तो सनी भैया सबका मेकअप करने के बाद खुद का मेकअप खुद कर रहे हैं। सर देवे आज नंदी बने हुए हैं। बड़ा सोच समझ के रोल मिला भैया को आज। गाइस ये कौन है? मैंने पहचाना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अभी भी हमारे वो कलाकार है जो ऑन स्टेज तो दिखते नहीं, बैक स्टेज सबको तैयार कराने वाले हमारे अभी भैया, ये बैक स्टेज स्टार है। कौन कहा था यार? अभी तो अभी मेरे फेवरेट काके भैया जी अपने कॉस्ट्यूम डाल के तैयार हो चुके हैं। भी नीचे भी और अंदर जा रहे हैं, मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ, सबसे पहले रात चले दिखाना उसके बाद में। देख सकते हो ना राज तिलक की तैयारी है, तो उसे पहले राज तिलक होगा, उसके बाद अगला ना जो मतलब फर्स्ट सीन है वो खुलेगा। नहीं कहा इस सरकशी का उस बेचारे को हवा में रोक के उठते।
गोष्ठी को फल बिगड़ गई होगी, कल बिगड़ जाती तो यहाँ तक भी ना आता। ये तो केवल आगे बढ़ने से होता है। मैं इसे और उड़ाना चाहता हूँ, जमीन की तरफ उठता है। जय दीवाना, कुबेर के जीत कर आए मुंह उसके हो तो खबर न दिखाओ। तो यहाँ तक कैसे आया मामा मरीज? आपने ये भी ख्याल फरमाया है कि गुबारा एक जड़ चीज है, इस पर मैं सवार हूँ, जो कोई जरूर बना इसे क्या करना है। का ज्ञान रखने वाले ऐसी हट करते हैं। अरे विमान रुक गया है तो जाने दो, तुम किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ, हमने तुम्हें वही समझा है। परंतु अफसोस है कि चार बे छह शास्त्र इन दसों को कठस्थ करने वाला इंसान मशहूर हो गए है, ऐसा क्या अकल से दूर हो गए है? अरे जरा सी बात पर क्या बुद्धिमान लोग अड़ते हैं, सामने जो भगवत तो क्या भवन में कूद पड़ते हैं। किधर का समुंदर, जिधर बढ़ जाए मुंह मेरा उधर है रास्ता मेरा, हर एक जड़ पर चैतन्य पर है दबदबा मेरा। समुंदर फर्श सुनते ही मेरी आवाज होता है, निगाह शर्म से और निगाह पुष्प करो विचार, देवों में भय है महादेव उनका बहुत। हम तो जात की साथ कदापि नहीं, जब आप किया और आप माना। नंदी जी सच बात पल दो एक हुआ, सूरत को सूरत कहा उसके जाने पाए। आज को जाने भी तो तमाम सूरज भी कहता है, भला सूरज मेरा नाम यदि तुम पैदा हुए हो मिट्टी अवश्य है, राक्षस इनमें से कोई नहीं मार सकता, तो तुम्हें मारने वाला अवश्य पैदा होगा और होगा। सुनो, ये जो तुम सदाशिव के लिए बुरे वाक्य कहते हो, तुम अपनी मौत को समीप करते हो। बुद्धिमान और शिव की महिमा फुल पुरुष के जान खोल है, ईजा नेत्र खोल कर या मधन को तार से वो पर संकट हरा गई तंत्र में दार गई तंत्र में दार चेहरे की कर्मी रोकी पैदा करके दिया तो कसम होती की रोकी करो नाम से वे कि होगा बुरा नतीजा खुद तो है संदे ये तुझ जाए ना पैदा कोई पुत्र करो, सारा मंडल को बिजली को ठंडा करो, खेत का कलाश कोई कीचड़ का फूटा नहीं, जिसे जो उठाता है काम जो संभव है संभव बना लो तुम से, क्यों ही जीवित रहो बिन उठाए कलाश को। पृथ्वी को नौका के समान कबाय मान करने वाला और कहा गया बुरा हो इस शरीर का इस समय का पसीना भी आ पूता है तेरी तक मेरे सर का यहाँ आकर जरा सी बात पर मेरा मान होना पढ़ना ये लाश मेरे हाथों का भी होना बस माँ के ने मेरा गमन तोड़ दिया तो मैं नहीं अभी मान करना चाहूंगी। जिन लिखताए पंख उनकी महिमा अब है तथा हो भी रोपी दंग खोल पाए नहीं पर हो कैसे कैसे शंकर को संतुष्ट करो करो कुछ ऐसी करनी क्योंकि वह उनका उद्धार खबर इसे है कर
इस समय मुझे भी यही उचित मालूम पड़ता है। दिखाया जब बल मैंने तब भी लक्ष्मण में झुका दूंगा, जय की चरणों में सिर अपना झुका दूंगा। समय किसी बल का प्रताप है कि तू जीता है। मैं अपनी मूर्खता पर आप पछताता हूँ भोलेनाथ। पहले मैंने आपकी महिमा ना जानी, इसलिए हुई मेरी महान। अब मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पुष्प विमान को रास्ता दीजिए। या जिधर तेजी चाहे चला जा, ठहर। शिवालय में आया है तो खाली हाथ न जा। ये गंद हाथ नामक तलवार, यदि तू उसका पूजन एक प्रेम से करेगा, ये तुझे मौत के बचाएगी। परंतु याद रख, जिस दिन इसका पूजन नहीं होगा तो ये मेरे पास चली जाएगी। कल्याण स्वरूप बोले नाथ, आप सच में बोले नाथ है। गुनाहगार को आशीर्वाद और दया से दंड के बदले सहदेव हमारे जो नंदीगण के किरदार में थे इस जगह में, मैंने जूम करके दिखाया आपको तो पहचान लोगे। रियासी वाले जो नहीं जानते, सहदेव के पास मैं इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा हुआ हूँ। मैं इनसे बड़ा छोटा हूँ, एक मिनट छोटा हूँ मैं इनसे। एक बार तो हमारे शिवजी बोले जी को उतारे थे, पूरा स्टेज का काम चल रहा है अंदर। अभी ना पूरा स्टेज का काम चल रहा है अंदर, जितनी जल्दी ना ये कंप्लीट होगी यहाँ पे चलेगा। मान रखी ले आ, मेरा सुनना बेड़ा एक बारी माँ। लक भजी आ, कोई पछानी नी। अच्छा कुर्सी बजा दे सारे, कोई ताई ना तुआई ना कोई तुआई ना ताई। गला सुखी गया ते किश भी पाओ, गैर पलाऊ ना गैर नी। कोई सॉफ्ट ड्रिंक पलाओ, कोई कोल्ड ड्रिंक पलाओ। ये पलाय जूस पलाय, लस्सी पलाय, मिनरल वाटर पलाय, दवा जूस पलाय, सोडा पलाय। तो सुनाओ क्या पलाय। और मेरी लंबा दर्द है, गला कटो ए नींबू पानी और मदी आ गई, नींबू पानी पिलाओ। कोई गल नहीं महाराज, ऊंगा नींबू ले आओ मैं ते पानी ले आओ मैं, नींबू पानी पिलाई देनी है तुसे। हेलो महाराज पानी, हेलो महाराज नींबू। ओहो ये नींबू पानी। ओ नंबरदार जी, हां जी, ओ नींबू ने बेच पाओ। ये बड़ा टाइम लगा नींबू बेच पाने लाओ जी, कि फांसी कटिए बेच पाओ। नींबू पानी कोदी मौका पाओ जी। आ गया नींबू, हेलो एक जोड़िया पाओ जी, जोड़िया पाई दी।
के साथ चरणों को स्पर्श करने आएगी और गुरु वशिष्ठ जी के कहे अनुसार भगवान आपको नेत्रों की रोशनी प्रदान करेंगे।
हाँ भगवान सोरी की पूर सब क्यों नहीं बराबर नहीं है अच्छा ऐसा माता पिता की आ गया मैं अभी जाता हूँ और क्या लेकर आता हूँ लगामी घर पड़ी मैं जान की पाती लगाऊंगा मैं दूंगा दूंगा अपनी दोनों आंखों में कहूंगा लगी है प्यार ताप को जैसे भी हो बुझाऊंगा अगर चल न मिला तो रहूं अपना पिलाऊंगा माता जी आप कोई चिंता ना करें मैं अभी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ तमाम जंगल छान मारा मगर उस खून था शेर का कोई ठिकाना ना मिला तमाम चारों को मिला मगर वो शेर नहीं मिला मैं जरूर इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में चला गया है वापस कहाँ जाएगा आज जंगल के पास तुझे राजा पुकारता है तू जहाँ भी है सामने सामने आगे दो राजाओं में आमने सामने शुद्ध हो सके मेरी मेरी ललकार सुनकर भी नहीं आया नहीं आया अब कहीं शुद्ध जानता है अयोध्यापति राजा दशरथ उसे जीवित नहीं छोड़ेगा इसलिए काये कहीं दुखेश हो गया कोई बात नहीं अगर वैश्य इस जंगल में होगा बस तक तू मत पानी पीने जरूर आ जरूर आ और मेरे हाथों मारा जाएगा जाएगा इसलिए मुझे अपने आप को कहीं कहीं छुपा लेना चाहिए कमल की तरीको रेस्ट के डाला
तो अभी ना पीछे की फिर से ना सेट पूरा चेंज हो रहा है। रूप रखा लक्ष्मण और राम का, अभी उनकी कुटिया तैयार हो रही है, राम लक्ष्मण सीता माता की कुटिया तैयार हो रही है। तो उसके बाद अभी तो तब तक मैं बाहर जाता हूँ, बाहर का सुना देता हूँ। अभी ना यहाँ देखिए पीछे देख सकते हो पूरा सेट तैयार। अभी नीरज भैया क्या जिसका सबको इंतजार था वो गड़ी आ चुकी है, तो अभी नीरज भैया। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात है हमारे AKM की, हमारे दोनों आर्टिस्ट त्रिता का फर्स्ट डेब्यू है इससे हमारी रियासी के स्टेज पे, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए भी। और तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसका डेब्यू किसके साथ है, नीरज भैया के साथ, जिनसे सबको सीखा है उन्हीं के साथ डेब्यू कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी मेरी देवा रानी ओ, दुनिया ने की ठुकराया, तेरी शरणी आया, पल पल माँ मेरा साथ निभाया। का सारा काम हो गया, सीन तैयार है, अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाहर बैठ के देखते हैं उनके अंदर का। तो देखिए 10 मिनट लगाते हैं पूरी स्टेज,
छट गए थे। यहाँ पे दुर्गा माता की कुटिया राम लक्ष्मण, और यहाँ पे होगा स्वरूप नगा लक्ष्मण संवाद, यहाँ पे स्वरूप नगा का नाक। ये चकोरी जो राम के साथ है यहाँ दिया दृष्टि दीजिए, शोभा नहीं पाती, इसे क्या दीजिए? गले पड़ा डोल बजाना ही पड़ता है, क्या किया जाए? मुझे अपनी सुरीली वीणा को अपना लीजिए और इस डोल नौदार से दूर करके दीजिए। अफसोस मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मान जाए तो बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए और अपना दिली मुद्दा जाहिर फरमाइए। वैसे भी वह अकेला है और जवान बड़ा अंधेरा है। ठीक है, उससे बात ही करती तुम्हारी तमाम उम्र की मट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझे साफ़ इंतज़ार है। हाँ,
आपकी और उनकी जोड़ी माजू है, अगर एक माँ है तो दूसरा माता। मजाक करने की तो उनकी भी आदत है, वरना दिल तो उनका भी सख्त बेहाल। शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? बहुत से राजे महाराजे बावजूद शादी के आए, ये धर्म के विरुद्ध है और वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ हरगिज़ सहा नहीं करेगी और आखिर निराश होकर ही चलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। ठीक है, उसके पास ही चलेगी। जो शख्स किस दूसरे का गुलाम हो वो तुम जैसी मायका के साथ किस तरह से हम कलाम हो? अगर तुम्हें नहीं, मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तेरी शोभा बनू मैं कैसे? मैं तो पीतल का देवर हूँ। वह स्वामी है, मैं सेवक हूँ। वह मालिक है, मैं नौकर हूँ। तो रावण की बहन है और हमारा गर्व बहन है, जिसकी बकरी की तमाम जमाने में तुम है। लक्ष्मण जी भैया, जी भैया, इसके रंगरथ से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। लगता है जब तक अपनी गलती की सजा नहीं पाएगी ये यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहरा, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह से हमें फुसलाना चाहती है। ऐसी हिम्मत होने पर भी मुझे पूरा यकीन है कि तू उसके साथ नहीं जाएगी और अपनी वकारी के बहाने बनाएगी और उसे हमारे खिलाफ बताएगी। जब मैं पूछेगा कि तू वहां क्या करने गई थी तो उसे क्या बताएगी? इसलिए मैं तुझे एक प्रमाण पत्र देता हूँ ताकि उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। प्रमाण पत्र में हमारा आयुष आज ना साधु बन गया, करना पता नहीं क्या इन्होंने, बार बार साधु बन गया। ये और आकाश भैया कुछ कुछ अजूबे सीन तैयार किया इन्होंने, है क्या वो सस्पेंस है मुझे, मेरे लिए भी और आपके लिए। ये भैया काके भैया मेरे दोनों हैं, ये हमारे काके भैया, हमको कोई भी रोल प्ले करने के लिए बोलो कभी मरो कभी मना नहीं करते हैं। तू ही तू मां, तू ही तू चनोटा वाली, तू ही तू, तू ही तू मां, तू ही तू। मेरी दीपाली बहन मारा दी जवानियां ऊंदे ऊंदे दीपाली का कोई अभी कोई सीन है?
खत्म हो गया तो बिजवानी मार दी। मैंने दूर से देखा ये शंकर, ये आकाश भैया पहचान नहीं क्या, आयुष के साथ दूसरे शंकर हो चुके हैं। ठीक है, सीन पता नहीं क्या, मैं खुद सस्पेंस में अभी डाल एक सीन सुन सीखने है क्या बहुत होता है, अभी सीखने है। और विजयपुर और रियासी जो रामलीला है वो करने हैं, 15 मिनट का सीन है छोटा सा, तो वो देखना भी पीछे देख लो, फिर से चेंज हो गई है, नया तैयारी नए क्यारे बन रहे हैं पीछे। केला वाली है तू ही तू, तू ही तू मां तू ही तू, सरतल वाली है तू ही तू, तू ही तू मां तू ही तू। ये अपना भाई है, इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, भाई का चैनल भी फॉलो कर देना यार। देखो छोटे छोटे लड़कों को सपोर्ट करोगे तो बात बनेगी। बड़ी मेहनत कर रहा है अभी से, मैं कह रहा हूँ बड़ी दूर जाएगा ये भी, मेरा बता नहीं बट ये बहुत दूर जाएगा। इसका लिंक चैनल का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो कर देना। रियासी के यार सभी को, आप रियासी वाले फॉलो करोगे तो बात है ना, बाहर वाले बाद में करेंगे, पहले रियासी वाले सपोर्ट करोगे तो बात है। 10 से 15 मिनट में ना पूरी स्टेज पीछे की चेंज हो जाती है। ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये बैक स्टेज ही रहते हैं, फ्रंट में कभी नहीं आते। और मेरा ब्लॉग करने का मेन मकसद यही था कि जो बैक स्टेज काम करते हैं ना उनसे भी मिला दूं। ऑन स्टेज तो सब दिखते हैं, कितने ही बंदे दिखते हैं, बट बैक स्टेज उससे ज्यादा बंदे होते हैं, उनकी ज्यादा मेहनत होती है, तो वो देखना जरूरी था। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना पीछे, 5 से 10 मिनट में पूरी स्टेज चेंज हो जाती है। अभी सज देवे ना पूरी इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टेज में, जो बाग लगा हुआ है ना फ्रूट्स का, कौन कौन सा फ्रूट लगा हुआ है, ये टेबल लगे हुए, किसी को चार डालने की जरूरत होगी तो सज देवे को बोल देना, मैं दिला दूंगा। लाल लाल होते हैं टमाटर, अभी ना सज देवे को चले शीतल। अरे पगली, इस तरह इस मार्ग में फूल बिछाती है जैसे तेरे नाम आज ही आएंगे, ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए, क्या तेरे नाम अभी तक आए? चलो हम किसी दूसरे मार्ग से निकल जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ये पागल दिखाई देती है। हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि बस्ती और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं। संसारिक दृष्टि से देखें तो बस्त भी पागल ही दिखाई देता है। शबरी महासिद्धि प्राप्त ज्ञानी है, परंतु उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। रिश्वत से मैं आपके लिए मीठे मीठे बैल आती हूँ।
मैंने खुद चखे रखे हैं। वाह लक्ष्मण तुम भी खाओ, बहुत मीठे हैं। अच्छे है ना प्रभु? हाँ माता, इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। कराएंगे और तुम्हें वर्षों की तपस्या का फल मिलेगा। उन्हें हमारे आने का अज्ञान था? हाँ प्रभु हाँ, उन्होंने कहा था कि श्री राम एक दिन अपनी भार्या की खोज में इस जगह पे आएंगे और तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाना और कहना कि श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के साथ और रावण का विजय पाएगा। आपने ये समाचार सुनाकर अपने गुरु का आशीर्वाद लिया? अनजानों की तरह सब पूछते हैं प्रभु। तो बताती हूँ, यहाँ से कुछ दूर पंपासुर नामक सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट पर ऋषिमुख और मालाधरी नामक की पर्वत है। अच्छा, अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। हमारा मेकअप रूम पूरी तरह से पुष्ट था, उसको बनाए रखा। मुझे आपने शुरू कर था कि गुजरात से देखा। उसके बाद कभी उसके बाद विजय पर से सब विद्यार्थी हैं प्रसन्न होते केदारनाथ के हैं, तो उनको देखना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और आज मैं आपको फिर कहता हूँ, आज हमको मुल्क मजा आया। मुल्क मजा, मुझे भी बहुत मजा आया यार। मैं कह रहा हूँ, अच्छा हुआ मैं आ गया यहाँ पे, तो बड़ा मजा आया। थैंक यू नीरे भैया बुलाने के लिए, क्योंकि नीरे भैया ने फोन करके बुला लिया था। लव यू भाई, लव यू लव यू टू, टॉक अबाउट।